मैं वीरेंद्र सिंह मरकाम उत्तर प्रदेश सोनभद्र से हूँ, मयूरपुर से, और मैं एक पावर लिफ्टिंग प्लेयर हूँ। और अभी मैं 20 से 26 अप्रैल तक हांगकांग में आयोजित एशियन पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हुए 53 किलो जूनियर कैटेगरी में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। और हम लगभग 5 साल से पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं। तो जब पावर लिफ्टिंग हम शुरू में स्टार्ट किए थे 2013 में, तो शुरू में तो बहुत कम लिफ्ट होता था। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, प्रैक्टिस उतना ही मेहनत और लगन से करते गए, तो हमारा लिफ्टिंग भी अच्छा होने लग गया। जब स्टार्ट किए थे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे ऐसे खेलते थे, तो शुरू में कोई मेडल नहीं लगता था, तो हमें भी निराशा होता था। फिर हम ब्रह्मा कुमारिस के संपर्क में आए, तो वहाँ हमने जा कर के राजयोग मेडिटेशन सीखा। फिर जितने भी स्टेट चैम्पियनशिप्स होते थे, तो उसमें हम जब भी खेलने जाते थे तो हमेशा हमारा फर्स्ट प्लेस ही लगता था। क्योंकि क्या होता है कि जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारे मन की शक्तियाँ अपने आप बढ़ती हैं, जिससे हमें बहुत हेल्प मिलता है। अभी तक हमने स्टेट लेवल पे 10 स्वर्ण पदक जीता है, और नेशनल लेवल पे पिछले साल ही पटियाला में ऑल इंडिया नेशनल चैम्पियन बने। फिर उसी के आधार पे 2019 में एशियन चैम्पियनशिप था, तो उसमें हमने भारत के लिए गोल्ड जीता। और हम प्रैक्टिस रेगुलर 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को जिम पे प्रैक्टिस करते हैं। और जब भी हम प्रैक्टिस करने जाते हैं तो सबसे पहले मेडिटेशन करते हैं, इसके बाद ही प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। और हम पूरी तरह से वेजिटेरियन हैं। लोग तो बोलते हैं बाहर की वेजिटेरियन होना, जैसे हम लोगों का जो लिफ्टिंग है, हैवी गेम्स जो हैं उसमें बोलते हैं कि प्रोटीन के लिए नॉनवेज लेना ज़रूरी है, लेकिन हम नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं यूज करते हैं, बिल्कुल शाकाहारी हैं। तो इससे भी हमें मेंटली स्ट्रांग होने के लिए बहुत हेल्प मिलता है, अपने मनोबल को एकदम मजबूत और हमेशा विल पावर को हायर रखने के लिए मेडिटेशन करते हैं, जो ब्रह्मा कुमारिस द्वारा सिखाया जाता है राजयोग मेडिटेशन, वो हम रेगुलर अभ्यास करते हैं। अभी हमारा आगे का लक्ष्य 2019 में अगस्त में होने वाले वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप में कनाडा में जो आयोजित है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करके भारत के लिए मेडल जीतना है। हम सभी से यही कहना चाहेंगे कि सभी अपने जीवन में एक लक्ष्य जरूर बनाएं, क्योंकि बिना लक्ष्य के कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। जैसे कोई मकान भी बनाना होता है तो सबसे पहले हम उसका एक नक्शा तैयार करते हैं, उसी तरह अपने जीवन का भी एक लक्ष्य बनाएं, जिससे कि हम अपने जीवन में पूरी तरह से एकाग्र होकर आगे बढ़ सकें। जब हम ब्रह्मा कुमारिस में आए यहाँ माउंट आबू, तो हमें यहाँ का वातावरण और यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे लगे, और यहाँ से जो हमें मेडिटेशन सीखने को मिला वो हमें बहुत ही हेल्पफुल रहा है। क्योंकि जब से हम मेडिटेशन कर रहे हैं तब से हमेशा ही हमारे स्पोर्ट्स में या फिर परफॉर्मेंस में कंटिन्यू बढ़ोतरी ही होता गया है। पहले हम जो 350 या फिर 400 किलो भी नहीं उठा पाते थे, वो अब लगभग 500 किलो तक उठा सकते हैं अब, क्योंकि पावर लिफ्टिंग में 3 लिफ्ट होता है, स्क्वाट लिफ्ट, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट। तो तीनों को जोड़ के हम 500 किलो तक अभी 53 किलो भार वर्ग में इतना उठा लेते हैं। तो सब सोचते हैं कि आप इतना कैसे उठा लेते हो, तो हम उनको बताते हैं कि आप मेडिटेशन करेंगे और शुद्ध भोजन करेंगे तो ज़रूर आप भी हमारी तरह बन सकते हैं।